अनुपमा में लीप के बाद आने वाला है तीन बड़े ट्विस्ट। क्या है वो ट्विस्ट? इससे क्या फर्क पड़ेगा अनुपमा और अनुज की लाइफ में? आखिर अनुज माया के पास रहेंगे या अनुपमा के पास? क्या है, पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल हमने तो आपसे पहले ही बता दिया था कि अनुपमा सीरियल में 5 साल का लीप आने वाला है और लीप के बाद सीरियल में बहुत सारे हमें ट्विस्ट देखने मिलेंगे। अब आपको बता दें कि पहला ट्विस्ट ये है कि छोटी अनु जो है वो हमें बड़ी दिखाई देगी, यानी कि 5 साल का लीप होगा तो डेफिनेटली अनु का जो किरदार है वो चेंज हो जाएगा। अनु की जगह कोई दूसरी चाइल्ड एक्ट्रेस शो में पार्ट लेगी। अनु का जो रोल होगा वो काफी धमाकेदार रोल होगा और उनके रोल से ही अनुपमा और अनुज की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, वही अपने मम्मी पापा को पिलवाएगी। सेकेंड ट्विस्ट, आपको बता दें कि सीरियल के में लीप के बाद अनुपमा में भारी बदलाव देखने मिलेगा। अनुपमा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। अनुपमा में खुद को लेकर उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि इस बार उसे कोई नहीं तोड़ सकता, ना शाह फैमिली ना कपाड़िया फैमिली। अनुपमा खुद के लिए एक बड़ी परिभाषा बनेगी। अनुपमा अपने लाइफ में काफी आगे निकल चुकी रहेगी। तीसरा ट्विस्ट, अनुज अभी भी यानी कि 5 साल बाद भी छोटी अनु और माया के साथ ही मुंबई में रहते हैं। अनुज अपने आप को अभी भी अनुपमा के बिना अधूरा ही समझते हैं। अनुपमा अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वही अनुज वही के वही है। चौथा ट्विस्ट, सीरियल में और भी नए कलाकार यानी कि एक्ट्रेस एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, सीरियल में लीप के साथ साथ और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है जो कि सीरियल में काफ़ी धमाकेदार ट्विस्ट लाएगा। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे, और आप अनुपमा सीरियल में लीप देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट के बाद हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।